हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल फैंटासी ट्रिक। मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ टीम कंपैरिजन, पिच रिपोर्ट, टीम स्ट्रेंथ, टीम वीकनेस, प्लेइंग 11, टीम स्ट्रक्चर, प्लेयर रिसेंट परफॉर्मेंस, प्लेयर वेन्यू रिकॉर्ड्स, ग्रैंड लीग पिक एंड ग्रैंड लीग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की गाइस। सो बने रहे इस वीडियो में। IPL 2022 का छठा मैच जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और KKR के बीच में होने वाला है गाइज। ये मैच जो है डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में होने वाला है जो कि 7:30 शाम को होगा 30 मार्च को। जानेंगे इस वीडियो में गाइज एवरीथिंग, चाहे वो टीम रिकॉर्ड हो, चाहे हेड टू हेड रिकॉर्ड हो, वेन्यू रिकॉर्ड हो, पिच रिपोर्ट हो गाइज, या फिर रिसेंट मैच जो हुआ है IPL 2022 का पहला मैच वो हो, उस सब के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से कर दे लाइक, क्योंकि गाइज यदि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका प्यार और समर्थन मिलता रहता है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को ऑल पे सेट कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ इन फ्यूचर तो आपको वो पता चल पाए गाइज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाना है, क्योंकि मैं आपको फाइनल अपडेट, फाइनल टीम वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ, कोई पेड चार्ज नहीं करता मैं गाइज। एक वीडियो पे कमेंट भी आया था कि पेड चार्ज करते हो क्या, ऐसा बहुत सारा फेक चैनल बन चुका है। आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का कॉपी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो फेक चैनल बना के वहाँ पे पेड टीम बेच रहे हैं, तो उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीम प्रोवाइड करता हूँ, कुछ GL रोटेशंस होते हैं, कुछ ग्रैंड लीग पिक्स वगैरह होते हैं, मैं वहाँ पर आपको लाइनअप के बाद सारी चीज़ें आपको अपडेट करता हूँ। तो आपको जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का वन ऑफ द बेस्ट वे ये है कि गाइज आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से करें, या फिर हर वीडियो के पिंड कमेंट में वो लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करें। और अगर आप सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, आप उसके थ्रू कर सकते हैं गाइज। अब जान लेते हैं गाइज कि वो जेन्युइन तरीका क्या है जहां से आप हमारे ऑफिशियल चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। एक जो तरीका है गाइज वो ये कि आप हमारे किसी भी वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं तो वीडियो के यहां डिस्क्रिप्शन में आपको यहां दिख जाएगा ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, telegram.me/logicalfantasytrick। दूसरा जो तरीका है गाइज, यहां कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में आपको यहां पर जो कमेंट दिख रहा है इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। ये टेलीग्राम ऐप है गाइज, यहाँ ऊपर आपको सर्च का आइकन दिख जाएगा और यहां पर आपको सर्च करना है @ लगा के लॉजिकल फंटासी ट्रिक, लॉजिकल फंटासी ट्रिक। जैसे आप सर्च करेंगे गाइज आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है यूजर नेम का यहाँ पे, और स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए जो फेक चैनल्स है उसके लास्ट में। यहाँ देख सकते हैं आप किसी में डबल एस है, किसी में डबल के है, किसी में ट्रिपल एस है। ये है हमारा मेन ऑफिशियल चैनल जिसपे लगभग 2500 के आसपास सब्सक्राइबर है गाइज। ये सब्सक्राइबर काउंट जो है बढ़ भी सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं लगातार, तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस यूजर नेम को क्लिक करके ही आपको इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है गाइस। चलिए बात कर लेते हैं गाइस टीम रिकॉर्ड्स की। तो टीम रिकॉर्ड में देखें, यहां RCB ने 211 मैच में टोटल 98 विन किया है और 106 मैच लूज किया है। वहीं KKR की बात करें गाइस तो 207 मैच में यहां पर 106 मैच विन किया है और 97 मैच जो है वो लूज किया है गाइस। नेक्स्ट बात अगर करें वेन्यू रिकॉर्ड की गाइस, तो रिसेंटली 2022 में बेंगलोर जो है RCB ने है इस पिच पर एक मैच खेला है जो कि वो इत्तेफाक से हार गई है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की यहां पे बात अगर करूं गाइस, तो टोटल 29 मैच में यहां पे RCB ने 13 विन किए हैं और 16 लूज किए हैं गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस यहां पर पिच रिपोर्ट की गाइस, तो पिच रिपोर्ट जो है वो गाइस जनरली ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यहां पर जो है एग्रेसिव बैट्समैन के लिए ये पिच काफी हेल्पफुल होने वाला है गाइस। रेड सॉयल पिच है यहां पे, तो बाउंसर के लिए यहां पे काफी ज्यादा डिसेंट होने वाला है ये पिच। जनरली गाइस यहां पर जो भी टीम विन करती है टॉस को वो चूज करती है बॉलिंग करने के लिए, इससे साबित ये होता है कि यहां पर जो है ड्यू फैक्टर रहता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर में चेज करना इजी हो जाता है गाइज। पिच पे गाइज जैसे जैसे मैच होता जाता है ये पिच जो है ड्राई होता जाता है, मतलब 4-5 मैच हो जाने के बाद यहाँ पे जो है स्पिनर भी डोमिनेट कर सकते हैं मैच में। बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे रिसेंट मैच इन दिस पिच, IPL 2022 का पहला मैच जो इस पिच पर हुआ था गाइज वो हुआ था बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में। तो स्कोर देख लेते हैं गाइज, बेंगलुरु ने यहाँ पे स्कोर किया था 205 2 विकेट के नुकसान पर, पूरे 20 ओवर खेले थे गाइज। वही पंजाब किंग्स ने
208 रन पे चेज करके 5 विकेट के नुकसान पर केवल 19 ओवर में ही इजीली चेज करके गेम को विन कर लिया गाइज। अब बात कर लेते हैं गाइज बॉलिंग की, तो फर्स्ट इनिंग में गाइज पेसर ने यहां पर 1 विकेट लिया और स्पिनर ने यहां पे 1 विकेट लिया। वहीं सेकेंड इनिंग में पेसर ने 4 विकेट लिया और स्पिनर ने 1 विकेट लिया, मतलब टोटल जो है पेसर यहां पे 5 विकेट लिया और स्पिनर जो है वो 2 विकेट लिए। तो पहले मैच में ये देखने को मिलता है कि यहां पे पेसर का जो है इंपैक्ट ज्यादा रहता है गाइज। अब बात कर लेते हैं गाइज टीम प्रीव्यू की, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा गाइज जो कि है टीम कंपैरिजन। दोनों टीम का कंपैरिजन करते हैं और साथ में जानेंगे टीम प्रीव्यू को भी। और अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो जहां आरसीबी का गाइज यहां पे मिडिल ऑर्डर वीक दिखता हुआ नजर आता है और स्पिन डिपार्टमेंट में भी हसरंगा के अलावा यहां पे आपको कोई भी प्लेयर देखने को नहीं मिलता है गाइज। वहीं पर गाइज केकेआर की टीम जो है वो पूरी तरह से मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि केकेआर के पास गाइज टॉप ऑर्डर में काफी इनफॉर्म प्लेयर हैं जैसे सुरेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर, अंजिक्य रहाणे, ये सारे प्लेयर काफी फॉर्म में भी है। और वहीं बात करें इसके मिडिल ऑर्डर की गाइज, तो मिडिल ऑर्डर भी इतना मजबूत है कि हारी हुई बाजी को भी पलट कर लाने का दम रखती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में भी आपको नीतीश राणा, सैम बिलिंग्स और आंद्रे रसेल जैसे बैट्समैन यहां पे नजर आते हैं। अब बात करें गाइज यहां पे अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो वो भी काफी यहां पे मजबूत नजर आ रहा है। जैसे कि यहां पे उमेश यादव को ही देख ले, जो कि सबसे पहले मैच में जो कि सीएसके वर्सेस केकेआर था उसका मैन ऑफ द मैच भी रहा और 2 विकेट वहां पे लेके आया। शिवम मावी भी है। तो वही बात करें अगर गाइज स्पिनर की, तो यहां पर आपको वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे स्पिनर देखने को मिलते हैं गाइज, जो कि आईपीएल में मोस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में आते हैं। बात अगर करें गाइज टीम के स्ट्रेंथ की, तो आरसीबी जो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन यहां पे इनके पास काफी मजबूत दिखाई देता है। वहीं पेसर अटैक की बात करें यहां पे, तो मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल जैसे बॉलर यहां पे देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ में टॉप ऑर्डर बैट्समैन और पेसर अटैक इनका अच्छा है। वहीं वीकनेस की बात अगर करें इस टीम का मिडिल ऑर्डर जो कि काफी कमजोर नजर आता है, और साथ में स्पिन डिपार्टमेंट में सिर्फ वाहेडू हसरंगा ही है, इसके अलावा कोई प्लेयर नजर नहीं आता है। यही बात कर ले अगर हम केकेआर की, तो यहां पर जो है केकेआर का मिडिल ऑर्डर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। और वहीं वीकनेस की बात करें गाइस, तो हमें इस टीम में कुछ नजर नहीं आ रहा है वीकनेस के तौर पे। ऑल ओवर दिस टीम लुक्स अ बैलेंस्ड टीम गाइस। चलिए अब जान लेते हैं गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 के बारे में गाइस। तो यहां पर सबसे पहले प्लेयर जो यहां पे दिखते हैं गाइस अंजिक्य रहाणे हैं। काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है गाइस, अपने आईपीएल करियर के 152 मैच में टोटल 3985 रन बना चुके हैं अभी तक। के बाद गाइस लास्ट के 5 मैचेस में ये 4 बार ड्रीम टीम के हिस्सा भी रह चुके हैं। उसके बाद 70 का इनका एवरेज रहा है। और अगर लास्ट मैच में देखें जो कि 2022 में आईपीएल सीजन में जो मैच हुआ है उसमें ये ड्रीम टीम के भी हिस्सा थे और 60 पॉइंट यहां पे गाइस दिए थे। टेक्निकल बैट्समैन है गाइस, चलने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं, मगर लॉजिक ये कहता है कि लगातार ड्रीम टीम का मेंबर बनता आ रहा है। फर्स्ट इनिंग बैटिंग में आप इसे अपने टीम में रखें, सेकंड इनिंग बैटिंग में आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि गाइस प्रेशर में ये खिलाड़ी कुछ नहीं खेल पाता है। पिछले मैच में सेकंड इनिंग में चल गया क्योंकि स्कोर कम चेज करना था। अगर वही सिचुएशन फिर से रहे तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें गाइस यहां पे, तो है वेंकटेश अय्यर गाइस, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है गाइस, इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं। अपने आईपीएल करियर के 11 मैच में टोटल 386 रन बनाए हैं और 3 विकेट भी यहां पे ये लिए हैं। लास्ट के 5 मैच में गाइस 42 पॉइंट पर मैच के हिसाब से परफॉर्म किया है। इस आईपीएल में अपने पहले मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखा, सिर्फ 22 पॉइंट दिए और ड्रीम टीम के मेंबर भी नहीं रहे, लेकिन आप इसे अपनी टीम में बैक कर सकते हैं क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ बड़ा करने का और राइट हैंडर के अगेंस्ट ये बॉलिंग भी करा सकते हैं। इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम होगा, तो ये आपके ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं गाइज। नेक्स्ट प्लेयर की बात यहां पर कर ले गाइज, तो हमारे पास है यहां पर श्रेयस अय्यर जो कि केकेआर के कैप्टन भी है, राइट हैंड बैट्समैन है गाइज। इनके अगर आईपीएल करियर की बात कर ले, तो टोटल 88 मैच में 2385 रन ये अभी तक दिए हैं। रिसेंटली अच्छे टच में है, लगातार लास्ट के 5 मैचेस में 76 पॉइंट पर मैचेस के एवरेज के हिसाब से 5 बार ड्रीम टीम के मेंबर भी बने। आईपीएल सीजन 15 के पहले ही मैच में गाइज ये 39 पॉइंट दे के ड्रीम टीम के मेंबर बन गए। आप इसे अपनी टीम में जरूर रखे, कैप्टन उसी टीम में बनाना जिसमें आप अंजिक्य रहाणे को आउट कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में लेफ्ट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन हर कैप्टन बनाना चाहता है। अंजिक्य रहाणे के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर 3 नंबर पर आएंगे और उसमें आपको श्रेयस अय्यर को कैप्टन नहीं बनाना है, क्योंकि तब कैप्टन पिछले मैच की तरह 3 नंबर पर नीतीश राणा को भेज देगी। नेक्स्ट प्लेयर गाइज हमारे
पास है नीतीश राणा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है गाइज, अभी इनफॉर्म प्लेयर है और अपने पिछले मैच में ड्रीम टीम का मेंबर भी रहे हैं। लास्ट के 5 मैच में इनका अगर रिकॉर्ड देखें तो गाइज 46 पॉइंट पर मैच के एवरेज के हिसाब से 3 बार ड्रीम टीम के मेंबर रहे हैं। आईपीएल अगर रिकॉर्ड इनका देखें तो टोटल 78 मैच में 1841 रन ये बना चुके हैं, लेकिन हाई चांसेस है कि यह इस बार ड्रीम टीम का मेंबर नहीं बन पाए गाइज। नेक्स्ट प्लेयर हमारे पास है गाइज सैम बिलिंग्स, विकेट कीपर है, राइट हैंड बैट्समैन है गाइज। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो 27 पॉइंट पर मैच के हिसाब से 2 बार जो है ड्रीम टीम का हिस्सा रही, साथ में अपने पहले मैच में 32 पॉइंट देके ड्रीम टीम का हिस्सा रही। वहीं पे मैं नीतीश राणा को बताना भूल गया गाइज, वो भी अपने पहले मैच में 37 पॉइंट देके ड्रीम टीम का हिस्सा रही गाइज। अच्छे हिटर है सैम बिलिंग्स, कभी कभी मैच विनिंग नॉक खेल जाते हैं, आप उस टीम में इसे प्रेफर करें जिसमें आप नीतीश राणा को आउट कर रहे हैं गाइज, वो भी तब जब फर्स्ट इनिंग बैटिंग हो गाइज। पिछले मैच में भी 32 पॉइंट देकर ये ड्रीम टीम का मेंबर रहे थे जैसा कि मैं आपको बताया अभी। नेक्स्ट प्लेयर गाइज यहाँ पे आंद्रे रशेल है गाइज, इनका आईपीएल रिकॉर्ड अगर देखे तो टोटल 85 मैचेस में गाइज ये टोटल 1700 रन बना चुके हैं, साथ में 73 विकेट भी लिए हैं। अगर लास्ट के 5 मैच का इनका अगर स्कोर देखे तो गाइज 58 पॉइंट पर मैच के हिसाब से 3 बार ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे हैं। पहले मैच में इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन 4 ओवर बॉलिंग करने के बाद इन्होंने 38 रन दिए और साथ में 1 विकेट भी लिए। ड्रीम 11 में इनका पॉइंट 29 था, ड्रीम टीम के हिस्सा नहीं बने। नेक्स्ट प्लेयर की बात अगर करें हम गाइज तो यहाँ पे सुनील नारायण है गाइज, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑफ स्पिनर बॉलर है गाइज। आईपीएल में इसका रिकॉर्ड बहुत बेहतर है गाइज, लास्ट के 5 मैच में यहाँ पे अगर देखोगे आप तो अच्छे फॉर्म में रहे हैं। पिछले मैच में गाइज मतलब आईपीएल के पहले मैच में इसने 4 ओवर तो बॉलिंग कराया लेकिन विकेट इनको नहीं मिल पाया, 24 पॉइंट था इनका ड्रीम 11 में। मोस्टली स्पिन फ्रेंडली विकेट हो तब या इनकी टीम हाई स्कोर कर दे तब सेकंड इनिंग में प्रेशर वाले सिचुएशन में ये विकेट जो है वो गुच्छे में लेके जाती है। वैसे सेकंड इनिंग में गाइज अगर बॉलिंग आए तो आपको इसे अपनी टीम में प्रेफर करना है जिसमें आपको लगे कि केकेआर के टॉप ऑर्डर हाई स्कोर कर लिए हैं और उस टीम में आप इसे वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं गाइज। अब बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो हमारे पास है शेल्डन जैक्सन और इनका अगर मैं बताऊं आपको तो ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है गाइस, रिसेंटली 5 मैचेस में 86 पॉइंट पर मैच के हिसाब से 4 बार ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे हैं। 19 पॉइंट इन्होंने अपने पहले मैच में दिया था, ड्रीम टीम के मेंबर नहीं बन पाए थे पहले मैच में। आप इसे अपने उस टीम में रख सकते हैं जिसमें आप केकेआर के टॉप ऑर्डर को कैप्टेंसी नहीं दे रहे हैं और जिस टीम में आप इसे रखें उसमें सैम बिलिंग्स को आपको ड्रॉप करना है, यहां सैम बिलिंग्स को आपको ड्रॉप करके ही इसे अपनी टीम में रखना है। उसके बाद जो प्लेयर है यहां पर उमेश यादव है, विकेट टेकिंग बॉलर है, चेंज ऑफ पिच के माहिर है, सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए तो मस्ट हैव पिक रहेंगे क्योंकि पिछले मैच में ये 2 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच भी बने थे। इसका लॉजिक यह है कि सेकंड इनिंग में प्रेशर वाले सिचुएशन में आप इसे अपनी टीम में प्रेफर कर सकते हैं, वैसे ये इनको फर्स्ट इनिंग में जो है वो बैट्समैन जो है वो झेल जाते हैं। अगले प्लेयर की बात करें यहां पे तो अगले प्लेयर यहां पे शिवम मावी, जिनका अगर मैं गाइस आपको बताऊं तो शिवम मावी जो है विकेट टेकर बॉलर है मगर पिछले मैच में विकेट नहीं मिला इनको तो ड्रीम टीम से बाहर रहे, लेकिन इस मैच में इसके विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं तो ये मस्ट हैव पिक रहेंगे। इनका अगर आईपीएल रिकॉर्ड देखें तो 27 मैच में 48 रन और 25 विकेट ले चुके हैं और वहीं इनके 5 लास्ट 5 मैच का अगर रिकॉर्ड देखें तो 43 पॉइंट पर मैच के हिसाब से 4 बार ड्रीम टीम के मेंबर भी रह चुके हैं, तो आप इसे अपनी टीम में मस्ट पिक करें। नेक्स्ट प्लेयर की बात यहां पे अगर करें गाइस तो वरुण चक्रवर्ती है, वरुण चक्रवर्ती जो कि आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट विकेट टेकर बॉलर्स में से एक है, केकेआर टीम के लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं, ये भी मस्ट हैव पिक रहेंगे। इनकी बात अगर कर ले तो पहले मैच में 33 पॉइंट देकर ये ड्रीम टीम के मेंबर रहे, 4 ओवर बॉलिंग कराया और 1 विकेट भी इनको मिला। अब बात कर लेते हैं गाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेइंग 11 की, यहां हमारे पास सबसे पहले प्लेयर जो गाइज है वो है फाफ डुप्लेसिस, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है गाइज, कंसिस्ट प्लेयर है और इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस जनरली ये करते हैं। ये लास्ट के 5 मैचेस में यहां पर देखे अगर तो गाइज एवरेज जो है वो 60 पॉइंट दिया है और 4 बार ये ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे हैं गाइज। खास बात यह है कि ये बैटिंग पिच का एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन हमें यहां पर लॉजिक लगाना है क्योंकि ये पिछले मैच में 121 पॉइंट देके कैप्टन भी बने थे और यहां पिछले 5 मैच में से 4 में ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे, तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मैच में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए गाइज और ये जल्दी आउट हो जाए, और मेरा मानना है कि आज ये प्लेयर परफॉर्म नहीं करने वाला है, अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं सिर्फ मेगा ग्रैंड लीग में
लेकिन अगर ये आउट हुआ गाइज तो आप पक्का रैंक करोगे, क्योंकि ग्रैंड लीग जीतने के लिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना गाइज। अगले प्लेयर गाइज यहाँ पे हमारे पास है अनुज रावत। अनुज रावत गाइज क्लासिकल बैट्समैन है, कंसिस्ट प्लेयर है और लेफ्ट आर्म बैटर है गाइज, तो ये एक बहुत बेहतरीन और जबरदस्त पिक हो सकते हैं। और रिसेंटली 5 मैच में इनका अगर रिकॉर्ड देखें तो 5 मैच में जो है ये ड्रीम टीम के मेंबर थे, लास्ट मैच में भी ये ड्रीम टीम के मेंबर थे, 45 पॉइंट इन्होंने दिया था। लेकिन इसने कैप्टन की पारी अभी तक नहीं खेली है, तो मे बी पॉसिबल इस मैच में ये कैप्टन बनता हुआ दिखाई दे। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग हो तो आप इसे अपने टीम का कैप्टन भी बना सकते हैं गाइज। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें यहाँ पे गाइज, तो नेक्स्ट प्लेयर हमारे पास है विराट कोहली। विराट कोहली गाइज आईपीएल का मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मतलब खिलाड़ी है, टेक्निकल बैट्समैन है गाइज, बड़े लेवल के मैच में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस इनके हाई होते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इतना बड़ा खिलाड़ी लेकिन लास्ट के 5 मैच में सिर्फ एक बार ड्रीम टीम के ये मेंबर रहे हैं। अगर बात कर ले विराट कोहली के आईपीएल रिकॉर्ड की गाइज, तो 208 मैच में इन्होंने अभी तक 6324 रन बनाया है। हाई चांसेस है गाइज कि ये एक अच्छा नॉक खेल जाए। जिस टीम में आप फाफ डु प्लेसिस को ड्रॉप कर रहे हैं उस टीम में आप विराट कोहली को कैप्टन यहां पर बना सकते हैं, और खास करके सेकेंड इनिंग के बैटिंग में गाइज। गाइज ये गलती नहीं करना कि दोनों को एक ही टीम में रख लेना, क्योंकि अगर फाफ डु प्लेसिस कैप्टन की पारी खेलता है तो विराट कोहली को नंबर नहीं मिलेगा, और अगर विराट कोहली के कैप्टन की पारी खेलने की आप उम्मीद लगाएंगे तो फाफ डु प्लेसिस को जो है पहले आउट होना पड़ेगा, तो आपको दोनों को एक टीम में नहीं रखना है। अगले प्लेयर की बात करें तो यहां पर हमारे पास है एस रदरफोर्ड गाइज, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है गाइज, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ये प्लेयर मैच विनिंग नॉक कभी भी खेल सकता है, अगर ये 4 नंबर पर मेंशन हो और इसकी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग हो तो आप इसे अपनी टीम में जरूर रखना। लो परसेंटेज वाला प्लेयर है और लास्ट के 5 मैच में अगर यहां पे देखे गाइज तो इन्होंने और लास्ट के 5 मैच में गाइज यहां पे देख सकते हैं ये आउट ऑफ फॉर्म है। इस मैच में होपफुली ये ड्रीम टीम के मेंबर बनते हुए नजर आएंगे गाइज। अगले प्लेयर गाइज यहां पे है दिनेश कार्तिक, राइट हैंड बैट्समैन है, 199 मैच में टोटल 3790 रन इन्होंने पूरे आईपीएल के करियर में अपना बनाया है। हार्ड हिटर के बैट्समैन है गाइज और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो अच्छा पिक साबित हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप आरसीबी के ओपनर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहे हैं तो आपको इसे अपनी टीम में नहीं रखना है, क्योंकि तब इसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा बैटिंग करने का, जब चांस ही नहीं मिलेगा इसे बैटिंग करने का, तो ये कंडीशन है। तो उसके बाद आप अपने इस कंडीशन को देखते हुए अपनी टीम में इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर गाइज यहाँ पर है शाहबाज अहमद, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है गाइज, इनका आईपीएल करियर अगर देखें 14 मैच में 60 रन और 9 विकेट ये लिए हैं। यूटिलिटी क्रिकेटर हु हिट बिग गाइज, मैच विनिंग नॉक भी खेल सकता है, मगर बैटिंग इतना नीचे है कि इसे अपॉर्चुनिटी नहीं है। पिछले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग भी करवाया है, आप इसे अपनी टीम में प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आप देखें कि टॉप ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर रहा है, तब इसे आपको अपनी टीम में प्रेफर करना है गाइज। अगला प्लेयर है गाइज यहाँ पे वाहिदु हसरंगा, जो कि गाइज स्पिनर है, राइट हैंड बैट्समैन भी है। इनकी बात अगर करें गाइज तो लास्ट के 5 मैच में ये 5 बार ड्रीम टीम के हिस्सा रहे हैं, 71 पॉइंट्स ये एवरी मैच दिए हैं, मतलब पॉइंट पर मैच इनका जो है वो 71 है। श्रीलंका के एक बेहतरीन स्पिनर है गाइज, अगर थोड़ा भी पिच में टर्न हो तो इसके विकेट लेने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं गाइज। और खास बात यह है कि इस टीम में ये अकेला है, जैसा कि मैंने टीम के प्रीव्यू में भी आपको बताया है कि वाहिद हसरंगा जो है वो आरसीबी में पहले स्पिनर है गाइज, इनके पास स्पिनर अटैक नहीं है, ये सिंगल है, बढ़िया स्पिनर है गाइज, तो बॉलिंग पूरे 4 ओवर करने की अपॉर्चुनिटी है, और बैटिंग आ गया तो अच्छे हिट भी लगा सकते हैं गाइज। आप इसे उस टीम में जरूर प्रेफर करें जिसमें आरसीबी के टॉप ऑर्डर को आपने कैप्टन बनाया है, क्योंकि तब प्रेशर वाली स्थिति होगी और प्रेशर में बैट्समैन इसे हिट करेगा और तब इसे विकेट मिल सकता है। अगर आप आरसीबी के टॉप ऑर्डर को किसी टीम में कोलैप्स कर रहे हैं तब आप इसे अपनी टीम में कैप्टन भी प्रेफर कर सकते हैं गाइज। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें गाइज तो यहां पर है डेविड विले, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और रिसेंटली इसके परफॉर्मेंस भी गाइज देख सकते हैं ये अच्छा है। लास्ट 5 मैच में इन्होंने 64 पॉइंट दिए हैं और 4 बार जो है ये ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे हैं और बॉलिंग भी उसे 4 ओवर करवाया जाता है। चेंज ऑफ पेस के ये माहिर बॉलर है गाइज, पिछले मैच में जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज ये ड्रीम टीम के हिस्सा नहीं बन पाए थे, तो इस मैच में ज्यादा चांसेस है कि ये ड्रीम टीम का मेंबर बनता हुआ नजर आ सकता है गाइज। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें गाइज यहां पे तो वो है हर्षल पटेल, आईपीएल के एक बेहतरीन बॉलर है जिसके पास स्विंग है, लाइन लेंथ है और एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं गाइज। ये लास्ट सीजन पर्पल कैप का दावेदार रहे मगर रिसेंटली 5 मैचेस में सिर्फ 1 बार जो है वो ड्रीम टीम के मेंबर बनता हुआ नजर आए थे। ये प्लेयर इस मैच में बैक कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो आप इसे कैप्टन भी बना सकते हैं क्योंकि तब ये डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। अगले प्लेयर गाइज यहाँ पे हैं मोहम्मद सिराज, राइट आर्म, ये भी फास्ट मीडियम बॉलर हैं। इनके लास्ट 51 मैच की बात अगर करें जो कि आईपीएल करियर का इनका मैच है उसमें इन्होंने 52 विकेट्स लिए हैं। लास्ट के 5 मैच में 4 बार ड्रीम टीम के हिस्सा रह चुके हैं, 42 पॉइंट पर मैच के हिसाब से इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं।
ओवरऑल गाइज ये एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं गाइज। अगले प्लेयर की गाइज यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे है प्लेयर आकाशदीप। कुछ खास बॉलर तो नहीं है मगर 3 से 4 ओवर की बॉलिंग कराते हैं। पिछले मैच में भी 3 ओवर की बॉलिंग इन्होंने कराया था, 39 रन दिए थे और 1 विकेट इन्होंने वहां पे लिया था। ऐसे बॉलर के विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसका इकोनॉमी खराब हो, क्योंकि तब बैट्समैन इसे हिट करने जाते हैं और विकेट गवा बैठते हैं। इसलिए इस मैच में ये ग्रैंड लीग चॉइस हो सकते हैं गाइज। उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो काफी एनालिटिकल और लॉजिकल लगा होगा। यहां तक अगर आपने वीडियो को वॉच किया है तो गाइज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि लाइक यदि आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।